नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदना और मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके साथ सत्तू के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। उसके लिए मुझे चाहिए एक मग सत्तू, एक प्याज मैंने बारीक कट के रख दिए, 1.5 टीस्पून विनीगर, दो हरी मिर्ची मैंने छोटा छोटा पीस में कट के रख दिए, और चाहिए 7-8 लहसुन मैंने छोटा छोटा पीस में कट के रख दी, और चाहिए स्वाद अनुसार नमक और चीनी, और चाहिए आटा मैंने ये भी 1.5 मग ली हूँ, और चाहिए थोड़ा सा व्हाइट ऑयल और घी। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले मैं इस सत्तू का एक डो बना लेंगे। इसमें मैं ये बारीक कटा हुआ जो प्याज मैंने रखे थे वो दे देंगे। हरी मिर्ची दे देंगे। ये जो 7-8 लहसुन है वो दे देंगे, कट के रख दिए थे मैंने छोटे छोटे पीस में। 1.5 टीस्पून मैंने विनीगर लिए थे वो भी दे देंगे। मैं अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक देंगे। मैंने यहाँ पिंक सॉल्ट यूज़ किए, आप व्हाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहिए 1 टीस्पून चीनी। चीनी ऑप्शनल है, आप चाहे नहीं भी दे सकते हैं। मैं अब इसकी एक डो बना लेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा ये सत्तू का डो बन के एकदम तैयार हो गया है। अब मैं आटे का डो बना लेंगे। मैं अब इस आटे में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून चीनी ऐड कर रहे हैं, और 6 टीस्पून व्हाइट ऑयल ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये आटे का डो बनके एकदम तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ये छत्तू का डो मैंने जो पहले बना के रख दिए थे वो इसके अंदर स्टफ कर लेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा लेंगे, उसके बाद ये जो आटे का डो है उसको कटोरी से देना है मुझे। उसके अंदर ये जो छत्तू का डो बना के रख दिए थे वो स्टफ कर लेंगे। दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे। पहले मैं कटोरी का शेप दिया, उसके अंदर ये छत्तू का डो स्टफ कर लिया। अब मैं इसको बेल लेंगे। अब मैं इसको फ्राई कर लूंगी। एक पीट अच्छे से सेक जाने से हम दूसरा पीट कर देंगे।
में आप इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब मैं गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देंगे, फिर दूसरों में भी ऐसे ही करेंगे। दोस्तों मेरा ये सत्तू का पराठा बनके एकदम तैयार हो गया है। इसमें से बहुत सुंदर खुशबू आ रहा है, आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।